अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अर्थ पे मैंने कहा रिफ्ट वैली जो है कैसे डेवलप हुई है। ये जो है ईस्टर्न अफ्रीका है, दिस इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये जो है सऊदी अरबिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो पूरी डॉटेड लाइन है उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। यानी कि इसके नीचे कन्वेक्शन सेल के डाइवर्जिंग लिंब एक्टिव रहे होंगे, पहले उनका ब्रेक किया गया पूरे लैंड को, और आज जो है यहाँ पे बीच में डिप्रेशन हो गया है जिससे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। ये उसका एरियल वो है रिफ्ट वैली का। अब देख सकते हैं पूरा डिप्रेशन क्रिएट हुआ है और ये जो है पूरा अपलिफ्टेड रीजन हमें लग रहा है, राइट। तो ये जो है इसे अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं। दिस इज द बिगेस्ट रिफ्ट वैली ऑन अर्थ, इसलिए उसको ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं। नासेंट सी का भी एग्जाम्पल है हमारे पास, वो भी रिफ्ट वैली के एग्जैक्ट ऊपर, रेड सी। रेड सी जो है वहां पे भी कन्वेक्शन सेल के नीचे डाइवर्जिंग लिंब रहे होंगे, और उनके डाइवर्जेंस की वजह से पहले यहाँ पे ब्रेकिंग हुई होगी, पहले एक ही लैंडमास होगा, उस लैंडमास के नीचे पहले ब्रेकिंग हुई होगी, उनके बाद इसी तरह यहाँ पे भी एक रिफ्ट वैली क्रिएट हुई होगी, एक डिप्रेशन क्रिएट होगा, फिर भी बाद में कन्वेक्शन सेल की और एक्टिवेशन की वजह से यहाँ पे एक ओशनिक क्रस्ट डेवलप हो गया, ये दो लैंडमास अलग हो गए और आज यहाँ पे रेड सी बना है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नासेंट सी। अगर अफ्रीका में मैं यहाँ पे देखू रिफ्ट वैली भी जो है इसी तरह से रेड सी की तरह वहां पे कन्वेक्शन सेल एक्टिव रहेंगे, तो यहाँ पे भी रिफ्ट वैली की जगह यहाँ पे भी नासेंट सी इस तरह से डेवलप हो सकता है। आफ्टर 10 मिलियन ईयर्स अफ्रीका का मैप शायद ऐसा हमें नजर आ सकता है, रिफ्ट वैली पे यहाँ पे नासेंट सी बन सकता है और दो लैंडमार्क्स अलग हो सकता है, राइट। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, उसे नॉट ऑफ ब्लेड्स कहते हैं। नॉट यानी आपको पता होगा गांठ, और अलग अलग स्ट्रिंग को हम इकट्ठा करके गांठ बनाए, नॉट बनाए, उसकी यहाँ पे कुछ बात है। यहाँ पे एक्चुअली कहा जाता है कुछ जियोग्राफिकली नॉट जैसा बना हुआ है, यानी कि कुछ जंक्शन है जहाँ पे एक से ज्यादा प्लेट्स जो है वो यहाँ पे मिल रही है, और इसका एक आर्म जो है वो यहाँ पे रेड सी में जा रहा है, एक आर्म जो है यहाँ पे रिफ्ट वैली जो है वहां पे जा रहा है, और तीसरा आर्म आपको जान के सरप्राइज होगा बट इट इज रीचिंग टिल गल्फ ऑफ कच्छ। आज जो है इस आर्म के एक्टिव होने की वजह से यहाँ पे जो डाइवर्जेंस हुआ है उसकी वजह से रेड सी डेवलप हुआ है, इस डाइवर्जेंस की वजह से यहाँ पे रिफ्ट वैली क्रिएट हुई है, और इस डाइवर्जेंस की वजह से हमारा गल्फ ऑफ कच्छ क्रिएट हुआ है। पहले सौराष्ट्र एंड कच्छ वॉज वन लैंडमास, और यहाँ पे उनके डाइवर्जेंस, ये जो लिम की एक्टिवेशन की वजह से ये जो डाइवर्जेंस हुआ, और इसकी वजह से हमारा यहाँ पे एक गल्फ ऑफ कच्छ जो है बटर, ये जो रीजन है पूरा अगर कभी भी एक्टिव होता है तो हमें पता चलता है अर्थक्वेक से। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर यहाँ ईरान के कोस्ट पे जो अर्थक्वेक हुआ था उसकी शायद रीजन ये है कि ये जो लिम है वो फिर से एक्टिव हो गया था, राइट। तो दिस इज कॉल्ड नॉट ऑफ द प्लेट्स, उनके आर्म्स इस तरह से जाते हैं। मैं इसके जरिए कुछ एटलास की एक्सरसाइज करवाना चाहती हूँ। हमने जहाँ पे रिफ्ट वैली देखी थी उसका अफ्रीका का जब आप पॉलिटिकल मैप खोलोगे या फिजिकल मैप, तो वहाँ पे एक कुछ बड़े बड़े वाटर बॉडीज और लेक्स आपको नजर आएंगे। इन लेक्स के लोकेशन जानना हमारे लिए जरूरी है। नॉर्थ टू साउथ हमें याद रखना है, लेक तुर्काना, लेक योगा, लेक अल्बर्टा, सबसे बड़ा लेक, लेक विक्टोरिया, लेक तांगानिका एंड लेक मालावी, और उसका पुराना नाम लेक न्यासा, ठीक है। ये जो सारे लेक्स हैं हमें उनके नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ हमें याद रखना है, शायद प्रीलिम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज इन लेक्स के बारे में ये है कि दूसरे सारे लेक्स एक्सेप्ट लेक विक्टोरिया, सारे और जो लेक्स है वो रिफ्ट वैली का जो डिप्रेशन है उसके अंदर बने हुए हैं, लेकिन लेक विक्टोरिया जो है वो रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं, ठीक है। ये जो सारे हमने लेक तुर्काना, लेक अल्बर्टा जो भी देखा वो रिफ्ट वैली के अंदर पाए जाते हैं, लेक विक्टोरिया इज नॉट द पार्ट ऑफ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर अफ्रीका की, इवन द वर्ल्ड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल जो है वो पास होती है। रिवर नाइल की दो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल जो है वो लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है ब्लू नाइल वो यहाँ पे इथोपिया कंट्री है, यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड्स है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है, और दोनों ट्रिब्यूटरी से नाइल जो है बनती है। यहाँ पे मैं एक
पॉलिटिकल न्यूज आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये एरिया ज्योग्राफिकली अभी जो है न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ दिस ग्रांड रेनेसा डैम। ग्रांड रेनेसा डैम जो है 2011 में इथियोपिया ने कंस्ट्रक्शन उसका स्टार्ट किया, उसकी एक ट्रिब्यूटरी नाइल की, ब्लू नाइल पे 2011 से उसका कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट हुआ है। लेकिन उस कंस्ट्रक्शन की वजह से, ये जो डैम है ग्रांड रेनेसा डैम, इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हुई इजिप्ट में। इजिप्ट का ये मानना है कि अगर यहाँ पे डैम डेवलप होगा तो यहाँ से इजिप्ट में पानी कम आएगा, उनके पास वाटर रिसोर्सेस जो है वो कम है। यहाँ पे न्यूबियन डेजर्ट है, यहाँ पे ईस्टर्न डेजर्ट है, डेजर्टिक रीजन है, और उनकी पूरी इकोनॉमी और वाटर रिसोर्स की जो भी डिमांड है वो नाइल रिवर पर डिपेंडेड है, और इस डैम की वजह से उन्हें पानी कम मिलेगा। उन्होंने जो आसवान डैम बनाया उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम जनरेट होगी क्योंकि वहां पे पानी का वॉल्यूम कम आएगा। तो इजिप्ट ने जो है इथियोपिया को थ्रेट किया है कि पहले नेगोशिएट करो और उसके बाद ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने देंगे हम। लेकिन इथियोपिया ने उनकी बात नहीं सुनी और इट कंटिन्यू टू कंस्ट्रक्ट दिस डैम। इजिप्ट ने इसलिए उसको थ्रेट भी दिया है कि अगर यू वॉन्ट स्टॉप दिस कंस्ट्रक्शन तो मैं जो है मिलिट्री इंटरवेंशन भी कर सकता हूँ। तो ये इथियोपिया और इजिप्ट के बीच में ये इशू चल रहा है। मैं उसके कुछ बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहती हूँ। जैसे हम देखते हैं कि आज कई देशों में उनके बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते हैं या इस तरह के वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट होते हैं, तो उसमें ही जो कारण होता है कॉलोनियल टाइम में कुछ हुए हुए एग्रीमेंट्स का, जैसे आज हमारे इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया चाइना में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उनके पीछे भी ब्रिटिशर्स का जो है काफी बड़ा रोल है। यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जब इजिप्ट ब्रिटिश कॉलोनी थी तब ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट और सूडान के साथ मिलकर नाइल रिवर की वाटर शेयरिंग पे एग्रीमेंट कर लिए थे, और ये एग्रीमेंट ऐसे थे कि नाइल का 2/3 वाटर जो है ये दोनों कंट्री अपने एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर कर लेते हैं। और ये जो एग्रीमेंट है वो अपर रिपारियन स्टेट यानी अपस्ट्रीम स्टेट होना, यानी कि जहां पे रिवर जो है ओरिजिनेट कर रही है वो स्टेट, उनको कंसल्ट किए बिना ये एग्रीमेंट हुए। इस एग्रीमेंट जब तक कॉलोनाइजेशन था तब तक तो वो बने रहे, उसके बाद भी इजिप्ट और सूडान उसे रिन्यू करते रहे, और इस एग्रीमेंट की वजह से इजिप्ट को ये लगता है कि नाइल पे अभी भी सबसे ज्यादा पानी का हक इजिप्ट का, और इसीलिए यहाँ पे 2006 में ये सारे जो छोटी छोटी कंट्रीज है इथियोपिया, केन्या, तंजानिया, युगांडा, और यहाँ पे छोटे कंट्री रवांडा एंड बुरुंडी, इन सब ने मिल के कुछ एग्रीमेंट बनाया वाटर शेयरिंग का। तो वो एग्रीमेंट भी इजिप्ट ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसका मानना था सबसे ज्यादा जो है शेयर उसे मिलना चाहिए। तो ये पूरा रीजन एंड दिस डैम वो इस वजह से न्यूज में है। मैं चाहती हूँ इन लोकेशंस को आप अपने घर पे जाके एटलास में जो है लोकेट कीजिए, न्यूबियन डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट, नामिब डेजर्ट, लेक विक्टोरिया, लेक मालावी, तुर्काना, चड, रिवर कांगो, अभी लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन डाउनलोड द स्लाइड्स, रिवर नाइजर ईस्ट अफ्रीका में, माउंट किलिमंजारो जो रिफ्ट वैली है वहीं पर ये वॉल्केनिक पिक है माउंट किलिमंजारो, सेंट्रल अफ्रीका का ये प्लेट्यू है कटंगा प्लेट्यू, ईस्टर्न अफ्रीका के कुछ कोस्ट उनके अलग अलग नाम दिए गए, ये कॉलोनाइजेशन के टाइम पे टाइम दिए गए कि जिस कोस्ट से ग्रेन एक्सपोर्ट होते थे उसे ग्रेन कोस्ट, आइवरी एक्सपोर्ट होती थी तो आइवरी, गोल्ड होती थी तो गोल्ड, या स्लेव वहां से जो एक्सपोर्ट होते थे तो उस कोस्ट उन्होंने स्लेव कोस्ट नाम दिया गया, और डारफर करके एक सूडान के पास में एक हिली रीजन है। ये सारे लोकेशन में जाते हो आप अपने अटलास में जो है लोकेट कीजिए। यूपीएससी प्रीलिम 2002 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा, युगांडा और तंजानिया के बीच में कौन सा जो लेक है वो इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है, लेक चड, लेक मालावी, लेक विक्टोरिया या लेक जाम्बेज़ी? यस, विक्टोरिया। मैंने बताया था विक्टोरिया जो लेके तीन कंट्रीज में उसको एक्चुअली उसकी बॉर्डर पास होती है, तंजानिया, केन्या एंड युगांडा। आंसर इज सी। अब मैं चाहती हूँ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन के बारे में जाने। हमें देखा डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है ओशनिक क्रस्ट के नीचे होगी तो मिड ओशनिक रिज बनाएगी, डाइवर्जेंट बाउंड्री अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे होगी तो पहले उसे ब्रेक करेगी, रिफ्ट वैली क्रिएट करेगी, फिर उसके बाद नासेंट सी क्रिएट करेगी, और उसके बाद ओशन क्रिएट करेगी। लेकिन अगर दो प्लेट के बीच में कन्वर्जन या कोलिजन होता है तो क्या होता है, उसमें तीन सिचुएशंस बनती है। ये कोलिजन होने वाली दो प्लेट्स जो है उसमें से एक प्लेट अगर ओशन होती है
और दूसरी प्लेट जो है वो भी ओशन होती है तो क्या होता है? ये मैंने इस तरह से दिखाया, ओशन ओशन। अगर एक प्लेट जो है वो ओशन होगी और दूसरी प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल होगी, यानी उस प्लेट का जो इंट्रैक्शन करने वाला पार्ट है वो कॉन्टिनेंट का होगा, तो क्या होगा? और दोनों ही प्लेट जो कोलिजन हो रही है उनके दोनों के ही पार्ट कॉन्टिनेंट होंगे तो क्या होगा? ये तीन सिचुएशंस के लिए हमें कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पढ़ना है। पहले हम देखते हैं ओशन ओशन कन्वर्जेंस, यानी ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट के बीच में अगर कन्वर्जेंस होता है तो क्या होता है। सबसे पहले जब ये ओशनिक प्लेट एक दूसरे से नजदीक आएगी, उनके बीच में जो कोलिजन होगा उसमें से जो हैवी प्लेट होगी वो सबडक्ट हो जाएगी। अब हैवी प्लेट वो कैसे डिसाइड होगा? इन दोनों ही ओशनिक प्लेट, दोनों ही बेसाल्ट से बनी है, दोनों ही हैवी है, लेकिन उन दोनों प्लेट में से जिसकी लेंथ ज्यादा होगी, जो प्लेट ओशनिक प्लेट ज्यादा बड़ी होगी वो ज्यादा हैवी हो जाएगी, और जो हैवी प्लेट होगी वो कोलिजन के टाइम पे, पहले तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा उन दोनों के बीच में, लेकिन इंटेंस कन्वेक्शन जो है कन्वर्जेंस वो अगर कंटिन्यू रहता है तो इसके वेट की वजह से ये जो प्लेट है वो नीचे सबडक्ट कर जाएगी इस तरह से। और ये सबडक्शन जब ओशनिक प्लेट का हो रहा है तब ये इंटेंस टेम्परेचर है यहाँ पे मेंटल का, और इसीलिए यहाँ पे जो है ओशनिक क्रस्ट है वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओशनिक कन्वेक्शन करंट होंगे, जो कन्वेक्शन करंट के यहाँ पे जो होगा वो डिसेंडिंग लिंब होगा, इसीलिए जो है कोलिजन होगा। जब ये ओशनिक प्लेट जो है वो ब्रेक होगी और मेल्ट होगी तब ये बेसाल्ट से बनी हुई है और उसका कन्वर्जन होगा एंडेसाइटिक, और ये एंडेसाइटिक मेंटल के रॉक और ओशनिक क्रस्ट इससे लाइटर है, इसलिए ये ऊपर से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे ये ब्रेक होगी, मेल्ट होगी, बेसाल्ट का एंडेसाइट में कन्वर्जन होगा। पानी में अगर हम रखते हैं एक बलून और उस बलून को अगर हम जितना भी प्रेशर करके नीचे ले जाए, उसे छोड़ दें, तो वो सरफेस पर ही आ जाएगा क्योंकि वो लाइटर होता है। एंडेसाइटिक इसी तरह सराउंडिंग रीजन से लाइटर है, ओलिवाइन से और बेसाल्ट से, तो वह इस तरह से पूरा जो ओशनिक क्रस्ट है उसे भी क्रैक करके यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और उसका जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता जाएगा। ओशन क्रस्ट पे ये एक्यूमुलेशन एक लेवल तक इतना बढ़ेगा कि वाटर सरफेस से भी ऊपर हो जाएगा और वो बन जाएगा आइलैंड, और हमारे लिए जो बनेगा वो होगा वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स। आर्क्स इसलिए कि पूरी चेन बनेगी, कोई एक आइलैंड नहीं बनेगा। ये जो प्लेट है उसके जहां तक बाउंड्री है, जितनी यहाँ पे उसकी लेंथ होगी वहां हर जगह पे ये मेल्ट होगी और हर जगह पे इस तरह के आर्क होगी, एक रेंज या एक लाइन की तरह पूरे जो है आइलैंड डेवलप होंगे, और ये सारे जो आइलैंड होंगे दे विल बी वॉल्केनिक आइलैंड। यहाँ से एंडेसाइटिक वॉल्केनोज्म की फॉर्म में यहाँ से बाहर आएगा। तो ये जो था वो ओशन ओशन प्लेट के बीच में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है उसे कहते हैं ओशनिक वॉल्केनिक आर्क्स। उसके एग्जांपल वर्ल्ड में मिलते हैं आइलैंड्स इन साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे जो है पैसिफिक प्लेट जो है वो यहाँ पे इस तरह मूव कर रही है, और ये छोटी प्लेट से फिलिपाइन प्लेट और सुंदा प्लेट, ऑब्वियसली पैसिफिक प्लेट जो है वो बड़ी है, हैवियर होगी इन दोनों से, उसका सबडक्शन होने की वजह से यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी वॉल्केनिज्म होता है वहाँ पे अर्थक्वेक भी होता है। अब देखिए कोई भी प्लेट इंटरेक्शन में, कोई भी यहाँ पे तीनों इंटरेक्शन पढ़ाऊंगी, जब भी प्लेट के बीच में इंटरेक्शन होता है अर्थक्वेक होता है, क्योंकि वहाँ पे जब भी कोई भी इंटरेक्शन प्लेट के बीच में होता है तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। उनकी जब भी बाउंड्री जो होती है एक दूसरे से कोलाइड होती है या सबडक्शन होता है तब उनके फ्रिक्शन की वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होता है और अर्थक्वेक आता है। तो इसीलिए जब भी ये यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क्स बन रहे हैं या ओशनिक क्रस्ट का सबडक्शन हो रहा है इस रीजन में अर्थक्वेक भी पाए जाएंगे। यूपीएससी मेंस 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड इन इंडोनेशिया एंड फिलीपींस आर्किपेलागो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें हम डायग्राम बनाएंगे। मैंने बताया था व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हम पहले ये बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताएंगे। उनमें हम लिखेंगे कि तीन तरह के जो इंट्रैक्शंस होते हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसवर्स। फिर हम बताएंगे कि कन्वर्जेंस में ओशनिक ओशनिक प्लेट में अगर कन्वर्जेंस होता है, हम डायग्राम बनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह ओशनिक प्लेट दूसरी ओशनिक प्लेट
में सबडक्ट होती है, उसका बेसाल का एंडोसाइटिक होता है और वो बाहर दूसरी ओशनिक प्लेट पे आइलैंड की तरह जो है उसका एक्यूमुलेशन होता है। और फिर हमें समझाएंगे कि इसी फिनोमेना से, उसी कंसेप्ट से जो है यहाँ पे इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी पैसिफिक प्लेट, सुंदा प्लेट, फिलिपाइन प्लेट के बीच में इंट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे आइलैंड्स बनाए। दिस इज द डेनमार्क क्वेश्चन, राइट। जब आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की बात हुई तो कुछ मैप एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, इसे इंडो चाइना भी कहते हैं। मैंने बताया था इंडो चाइना, क्योंकि यहाँ पे चाइना और इंडिया दोनों के कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और बहुत ही यूनिक जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है। ये रीजन को इंडो चाइना कहेंगे। जब भी इंटरनेशनल रिलेशन में हम बात करेंगे इंडो चाइना रिलेशंस, इंडिया और चाइना के बीच में अगर हम बात करेंगे तो कभी इंडो चाइना नहीं लिखना चाहिए, इंडो चाइना का मतलब साउथ ईस्ट एशिया हो जाएगा। जब इंडिया चाइना रिलेशन की बात करेंगे तो वी कैन राइट सिनो चाइना, सिनो इंडिया रिलेशंस। ये जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे हमने कंट्रीज के बारे में, हमें उसकी बाउंड्री पता होनी चाहिए। यहाँ पे मले पेनिनसुला है, ये पूरा कंट्री जो है मलेशिया है। यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड, यहाँ पे जावा आइलैंड और यहाँ पे कुछ और छोटे आइलैंड हैं, बीच में है बाली आइलैंड। यहाँ पे जो बड़ा जो आइलैंड उसे बोर्नियो कहते हैं, उसके कुछ पार्ट्स हैं सारवाक एंड सबा। सारवाक में मलेशिया भी है और एक छोटा सा कंट्री है ब्रुनेई, जहाँ पे ऑयल रिजर्व के होने की वजह से सबसे इस रीजन का प्रॉस्परस कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सी आप देख सकते हैं, जावा सी, फ्लोरेस सी, पेडा सी, एराफुरा सी, टिमोर सी, उनके हमें थोड़ी बहुत लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे आज काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द चाइना। चाइना जो है ये साउथ चाइना सी को वो एक्सक्लूसिवली क्लेम कर रहा है। चाइना का मानना है कि पूरा जो साउथ चाइना सी है उस पे सिर्फ और सिर्फ चाइना का हक है। अब यहाँ पे कुछ आइलैंड पाए जाते हैं जिसका नाम है स्कार्सबोरोग आइलैंड। उस आइलैंड पे फिलिपाइन भी क्लेम कर रहा है और चाइना भी क्लेम कर रहा है और चाइना ने फोर्सफुली उस आइलैंड को जो है ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए फिलिपाइंस ने उसके अगेंस्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस किया हुआ है। तिब्बतियन को भी, सॉरी वियतनाम जो कंट्री है उसको भी चाइना से प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व पाए गए और यहाँ पे उसका जो पेट्रोलियम रिजर्व है यहाँ पे उसे फुकान बेसिन कहते हैं। फुकान बेसिन पे वियतनाम जो है, वियतनाम वैसे तो इतना डेवलप कंट्री नहीं है, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस तरह से वो अंडर वाटर पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर सके। वियतनाम ने जो है कॉन्टेक्ट किया इंडिया को, यू कम एंड एक्सप्लोर फॉर अस। अब इंडिया जो है इस फुकान बेसिन में ऑब्वियसली एक्सप्लोर करना चाहता है। देखिए इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी है, हम जो है काफ़ी हद तक पर्शियन गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट है अपने पेट्रोलियम डिमांड्स के, राइट। लेकिन ये जो कंट्रीज हम आज देखते हैं काफ़ी पॉलिटिकली इनस्टेबल और फ्रगाइल होती जा रही है। वहाँ पे जो टेररिज्म बढ़ रहा है, वहाँ पे सीरिया, लेबनान, इराक में जो इश्यू चल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट का ये पॉलिसी रहती है कि हमारे जो सोर्सेज हैं पेट्रोलियम के वो काफ़ी डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। हम बहुत सारी और अलग जगह से भी हमें पेट्रोलियम मिलना चाहिए, इसलिए हम रशिया के सी ऑफ ओखोट से, वहाँ पे हमारे ओएनजीसी विदेश ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, सूडान से हम जो है ऑयल ले रहे हैं, वेनेजुएला से ले रहे हैं, सूडान में तो इंडिया ने पाइपलाइन भी डेवलप की हुई है और इस तरह से कहीं पे भी हमें इनविटेशन मिल रहा है, हमें लगता है कि हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल है तो हम वहाँ से जो है पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब इंडिया वॉज रेडी क्योंकि वियतनाम के साथ हमारे वैसे भी रिलेशन अच्छे हैं, हमने यहाँ से करने पेट्रोलियम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन चाइना इज नॉट विलिंग। चाइना ने डिप्लोमेटिकली इंडिया को बोल दिया कि अगर यहाँ से आपने पेट्रोलियम जो है एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई किया तो हमारे रिलेशन जो है वो खराब हो जाएंगे। तो इंडिया जो है अभी तक काफी कंफ्यूज रहा है कि इस रीजन के बारे में हम क्या करें। वियतनाम चाहता है कि इंडिया जो है एक्सप्लोर यहाँ से करे, ठीक है, उसके साथ फिर हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। अब 2014 में जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इंडिया में आए थे, उसी टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी, वो वियतनाम में थे और उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम जो है ये फुकान बेसिन से जो है पेट्रोलियम हम एक्सप्लोर करेंगे चाहे कुछ भी। सो दिस इज द साउथ चाइना सी इशू। यहाँ ऊपर जो है सेंकाकू आइलैंड्स है, वो सेंकाकू आइलैंड्स के लिए चाइना और जापान जो है आज झगड़ रहे हैं, तो ये पूरा रीजन इज क्वाइट वॉलेटाइल। हमारे लिए जानना जरूरी लोकेशंस ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जो भी आइलैंड्स हैं, हम यहाँ पहले इंडियन आइलैंड से स्टार्ट करते हैं। दिस इज लक्षद्वीप आइलैंड,
उसके साउथ में जो है मालदीव्स आइलैंड है, उसके नीचे है चागोस, यहाँ पे सेचिलीज है, यहाँ पे मडागास्कर के पास मॉरिशियस और उसके नीचे रीयूनियन। रीयूनियन इज अंडर फ्रांस, चागोस एंड सेचिलीज इज अंडर यूके। अब ये जो चागोस है उसके नीचे भी एक आइलैंड है, यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा, उस आइलैंड को कहते हैं डियागो ग्रासिया आइलैंड्स। और ये इसके लिए फेमस है कि यहाँ पे यूएस का नवल बेस है, राइट। यहाँ से जो है यूएस की नेवी जो है अराउंड यहाँ पे सिक्योरिटी देती है। लेकिन यहाँ जैसे हमने अभी देखा कि पूरा साउथ एशियन या ईस्टर्न एशियन जो रीजन है काफी पॉलिटिकली इंस्टेबल हो रहा है, काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं बाउंड्री को लेके, इंडिया चाइना, इंडिया वियतनाम, इंडिया फिलीपींस, और सॉरी चाइना इंडिया, चाइना फिलीपींस, चाइना वियतनाम एंड चाइना जापान। तो यूएस जो चाहता है अपना इन्फ्लुएंस इन रीजन पे बढ़ाए, और ये जो डियागो ग्रासिया से उसका नवल बेस है उसे यहाँ पे मालदीव्स में ले जाना। और मालदीव्स में उसने 2010 में कॉन्ट्रैक्ट भी किया है कि उसका जो है उसके कुछ आइलैंड जो है यूएस की नवल या उसकी नेवी को दिए जाए। इंडिया को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि इंडिया अपने इतने नज़दीक किसी भी और कंट्री के नवल बेस जो है इतनी डेवलप कंट्री का वो नहीं चाहती। उतना ही नहीं, मालदीव्स जो है वो कंट्री रिसेंटली जो है वो उसकी गवर्नमेंट प्रो चाइनीज होती गई। आपको बता दूं कि जो मालदीव जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट में, उसकी सिक्योरिटी में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। या उस ये पूरा जो आइलैंड है उसकी आर्मी को ट्रेन करना, उसके कोस्ट गार्ड को शिप देना, सर्वेलियंस एयरक्राफ्ट, ये सब इंडिया ने उसको दिया है। उसकी सैटेलाइट सर्वेलेंस सिस्टम भी इंडिया ने डेवलप की, राइट। और यहाँ पे रिसेंटली इसकी जो गवर्नमेंट है वो प्रो चाइनीज होती जा रही है। यहाँ पे मालदीव्स का जो कैपिटल है मेल, उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था पहले इंडियन कंपनी जीएमआर के पास था, मालदीवियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पूरा बन चुका था फाइनल स्टेज के बाद उसको कैंसिल करके चाइनीज कंपनी को दिया गया। और काफी सारा उनके काफी सारे आइलैंड है जहाँ पे वो चाइना अलग अलग पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, डीप सी टर्मिनल्स जो है डेवलप कर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट थी काफी प्रो चाइनीज हो रही थी, इससे इंडिया को जो था काफी प्रॉब्लम था। इवन जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वो काफी प्रो चाइनीज थी। यहाँ पे चाइनीज सबमरीन के इंसिडेंट्स बढ़ रहे थे आने के, और इंडिया ने मालदीव और श्रीलंका के साथ में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत इन दोनों कंट्री को अगर किसी और कंट्री की सबमरीन या वॉरशिप आ रही है तो इंडिया को उसका नोटिफिकेशन देना पड़ता है, राइट। तो श्रीलंका में भी प्रो चाइनीज थी, मालदीव में भी प्रो चाइनीज गवर्नमेंट थी। अभी मालदीव में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था। अब ये देख सकते हैं पूरा आइलैंड कंट्री, यहाँ पे कोई रिवर तो पास होती नहीं होगी। यहाँ का जो मेन वाटर, उनका जो ड्रिंकिंग वाटर का रिसोर्स है वो सी वाटर का रिप्रोसेस करके वो पीते हैं पानी। ये प्लांट था वहां पे जो है वो खराब हो गया था और दे वर हैविंग वाटर क्राइसिस। उन्होंने सबसे पहला कॉल किया इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को, और इंडिया ने सबसे इमीडिएटली वहां पे मिलियंस ऑफ टन्स और मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर हमारे कोस्ट गार्ड शिप से यहाँ पे सप्लाई किया गया। और इंडिया वॉज द बिगेस्ट हेल्प टू मालदीव्स एंड द फर्स्ट वन टू हेल्प मालदीव्स। उसके बाद चाइना और श्रीलंका ने भी हेल्प की बाद में, लेकिन इंडिया वॉज द लार्जेस्ट। तो इससे इन कंट्रीज को समझना चाहिए हाउ इम्पोर्टेंट इंडिया टू देम, राइट। सो दिस इज समथिंग पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशन।